स्वागत है आप सबका। आज हम रणवीर सिंह पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रणवीर सिंह का सेक्स लाइफ कैसा था। तो रिपोर्टर ने रणवीर सिंह से पूछ लिया कि आपने पहली बार मैदान फतेह कब किया था, तो रणवीर सिंह ने बोला कि जब वो 12 साल के थे तब। बाप रे, तो रणवीर भाई हमारे ऐसे दिखते थे जब वो 12 साल के थे। सबसे पहली बात, ये शक्ल लेके सेक्स करना ही नहीं चाहिए। अभी आप पूछेंगे क्यों, चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप वो लड़की है जिसका हर मैदान फतेह कर रहा है रणवीर सिंह मिशनरी पोजीशन पे, और आपकी आंखें बंद है। जब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे आपको ऐसी शक्ल दिखेगी, कैसा लगेगा आपको? और आपको कैसा लगेगा वो भी छोड़ दो, 12 साल की उम्र में सेक्स करता कौन है? मैं जब 12 साल का था साला लगता था सेक्स बोलूंगा तो वर्जिनिटी टूट जाएगी, इतना शर्म आया करता था। और इस बंदे को देखो, साला पैदाशी जॉनी सिंह से ही है, तो पूरे बॉलीवुड में ये अकेला बंदा है जो संजू का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और ऐसे संजू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले आदमी को कैसा एडवर्टाइजमेंट मिला होगा? सही सोचा आप लोगों ने, कॉन्डम का एडवर्टाइजमेंट। तो फिर से किसी रिपोर्टर ने पूछा रणवीर सिंह से कॉन्डम के बारे में, तो रणवीर सिंह ने बोल दिया कि मैं हमेशा अपने वॉलेट में एक कॉन्डम रखता हूँ। और रणवीर सिंह गलत भी नहीं है, मतलब संजू का रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान बात तो होगा नहीं, इसलिए जहां मौका मिले वहीं पे शुरू होना पड़ेगा। इसीलिए मेरा रणवीर भाई हमेशा अपने वॉलेट में कॉन्डम रखता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार रणवीर भाई अपने वॉलेट में कॉन्डम रखना भूल गए। अभी रणवीर भाई के जगह आप और मैं होते तो क्या करते कि मेडिकल में जाके एक नया खरीद के लाते। लेकिन रणवीर के पास टाइम बहुत कम था, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कॉन्डम बन गए। देखो, मतलब खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में, ये बात रणवीर सिंह से अच्छा कोई नहीं जानता। तो किसी रिपोर्टर ने फिर से रणवीर सिंह को पूछा कि आप बचपन में छुट्टियां कैसे काटते थे, तो ये बोला कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, मेरे माँ बाप को पूरे साल पैसे जमा करना पड़ता था ताकि हम विदेश घूमने जा सके, और मैं सिर्फ 4 से 5 कंट्री घुमाऊ, इंडोनेशिया, इटली, सिंगापुर, और ज्यादातर मैं US जाता था, और हर दिसंबर मैं गोवा जाता था। कितना गरीब था मेरा भाई, और वो सही बोल रहा है, क्योंकि सिंगापुर तो जयपुर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसने सोचा जयपुर तो इंडिया में ना, थोड़े ज्यादा पैसे 2-3 हजार ज्यादा जमा कर लूं तो मैं सिंगापुर घुमाऊंगा। और इटाली वो कोई देश है कि? इधर तो 60 रुपए का थाली मिलता है, वो एक थाली जैसा ही देश है, बस सस्ता देश है वो। लेकिन रणवीर सबसे ज्यादा US गया है, क्यों? क्योंकि उसके उधर रिश्तेदार है, और सही बात है ना, उधर जाके रहने खाने का खर्चा बच जाता है, तो क्यों नहीं जाएगा वो US? जाने आने में थोड़ी ज्यादा लगता है, 5-6 हजार में टिकट हो जाता होगा उस जमाने में, क्या मालूम। और रणवीर सिंह तो इतना गरीब था कि उसके पास कॉन्डम के पैसे नहीं हुआ करते थे जब वो 12 साल का था, तो इसीलिए वो एक आंटी के पास जाता था और रोता था, बोलता था मुझे चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाने के पैसे लेता था और चॉकलेट पहन लेता था। साला बहुत होशियार था। लेकिन ये वीडियो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं रणवीर सिंह के कपड़ों के बारे में कुछ ना बोलूं। लेकिन उस बेचारे के कपड़ों को लेके बहुत मजाक उड़ाया गया है ऑलरेडी, इसलिए हम 2-3 मेमे देख के वीडियो को खत्म कर देंगे। रणवीर सिंह कम्स होम वेयरिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल क्लोथ्स, तो फैमिली वाले बोलते क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, तू ठीक तो है ना, तुझे बुखार तो नहीं आया, दवाई दूं तुझे बेटा? जब आप जल्दबाजी में अपने गर्लफ्रेंड के कपड़े पहन के निकल आते हो, इसमें गलत क्या है भाई? उसने इतने सालों से कॉन्डम पे इतना पैसा खर्च किया है, उसको कहीं ना कहीं से तो वसूलना पड़ेगा ना, तो गर्लफ्रेंड के कपड़े पहन के आता और बाहर आके बेच देता है, बिजनेस बिजनेस। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हमेशा की तरह हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं, प्लीज लाइक और फॉलो कीजिए वहां पे, और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो थैंक यू, बाय।